वही अखिलेश ने पीडीए के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए जो सपना बुनाया है उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ा तंज कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया। पीडीए को अखिलेश पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बताते हैं, लेकिन विरोधियों की नजर में उसके मायने ही अलग हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर वार किया है। उन्होंने लिखा, जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी ने शपथ ली है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े उखड़े हैं। अब अखिलेश पर यह हमला केशव ने क्यों किया ये भी आपको बता दे। दरअसल अखिलेश ने एक वीडियो वायरल को लेकर केशव पर तंज कसा था। तब केशव प्रसाद मौर्य बदायूं के दौरे पर थे तो किसी ने उनसे बदायूं में बस स्टैंड की मांग रख दी। इस पर डिप्टी सीएम ने उस व्यक्ति से हवाई अड्डा बनाने का वादा कर दिया, जिसका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपाई बस अड्डा तो दे नहीं पा रहे और वादा हवाई अड्डे का कर रहे हैं। अखिलेश और केशव की जंग में अब चाचा शिवपाल यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा, हम समाजवादी लोग तो चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों में हवाई अड्डा बनवा दें, लेकिन इसके पहले आप कौशाम्बी में एक हवाई पट्टी भी बनवा दें, अगर आपकी सरकार में सुनी जा रही है तो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।